और टॉस हुआ है। उत्तर धौना के ओपनर रोहित, गेम की पहली बॉल करेंगे रोहित, स्ट्राइक पे रोहित, खेल दिया आपके हाथों से, पूरा सम्मान देते हुए फील्डर फील्ड करेगा, स्लिप पे जाने गेम गई, कोई रन नहीं, सम्मान दिया पहली बॉल को रोहित ने, पहली बॉल खेल दिया, बहुत ही अच्छी शॉट और बढ़िया फील्ड, यहाँ पे तीन रन बचाए आजाद ने अपनी टीम के लिए, जो भी टीम मैच जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। कट कर दिया है, खेल दिया है आकाश और बस्ती ने, बाउंड्री की तरफ एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए भी जा रहे हैं और आसानी के साथ दो रन पूरे किए, अच्छी शॉट, बहुत अच्छी शॉट, गेंद जा रहा है बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए शानदार बल्लेबाजी, सुजीत के बल्ले से निकलता हुआ उत्तर धौना के लिए पहला चौका, अच्छी वापसी यहाँ पे गेंदबाज, दोनों टीमें बहुत ही अच्छी हैं, बेहतरीन शॉट 6 रन के लिए, खेल दिया लेग की दिशा में और बहुत बढ़िया छक्का, 6 रन और ये छक्का विकेट बाउंड्री के बाहर गया, बहुत बड़ा छक्का है शुक्ला जी, ये बिल्कुल एक ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं उत्तर धौना, गेंदबाज आजाद और बल्लेबाज रोहित, अपने कमेंट करें, खेल दिया के हाथों से, दूर रह गए फील्डर, बॉल तो बहुत बढ़िया, काफी अच्छे बल्लेबाज है रोहित, खड़ा कर दिया था पूरा खिलाड़ी, अगर दो तीन कदम आगे होता अगर ये अंत तक खेलते हैं तो स्कोर क्या कहेंगे आप आजाद के बारे में, 12 ओवर में 140-150 रन के आसपास होना चाहिए, उस दिन बल्लेबाजी से जो ओवर दिखाए थे आज गेंदबाजी, नाखुश नाराज होते हैं अपने आप से, दूसरा ओवर लेकर आए हैं, मौका नहीं देते बल्लेबाजों को, खेल दिया उठा के, कोई फील्डर नहीं है, बल्लेबाज गेंद को उठा कर मारा है, एक रन, दो रन मिल जाएंगे, खराब थ्रो और दो रन आसानी के साथ, यहाँ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अगर 120-130 के आसपास बन गए तो फिर मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक इस ग्राउंड के अगर 34 आजाद, खेल दिया उठा के, फील्डर मौजूद, एक बड़ा विकेट यहाँ पे पकड़ लिया कैच रोहित के रूप में, बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पे, अभिषेक नाम, काफी बड़ा झटका यहाँ पे उत्तर धौना को रोहित के रूप में, पहला झटका लगता हुआ उत्तर धौना को, और कप्तान आजम नए बल्लेबाज शुभम उर्फ मलिंगा, टीम तो बाहर हो चुकी है उत्तर धौना के लिए, देख सकते हैं सफाई करें, लाइक डालें, और मुन्ना पटाखा बड़े बल्लेबाज है, नए बल्लेबाज शुभम, क्योंकि आज सुबह जब हम उठे थे तो बेटा बोल रहा था पापा मुन्ना पटाखा कब लाएंगे, आज आपने पहली सफलता दिलाई टीम को, बेहतरीन बॉल, दो ओवर 15 रन एक विकेट के नुकसान पर उत्तर धौना, पिछले ओवर महेंद्र, अच्छी शॉट, अच्छी शॉट मगर फील्डर है, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक ही रन मिलेगा, वो देखो डालेंगे, खेल दिया रिवर्स पे, अच्छी फील्ड, एक ही रन मिलेगा, एक और शानदार 6 रन, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पे सुजीत, जड़ दिया पहाड़ से खड़ा हो जाएगा फिर, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सुजीत, सुजीत काफी आक्रामक मूड में, महेंद्र की गेंद का सामना करेंगे और बहुत अच्छी शॉट खेली है, एक रन के लिए ऑस्ट्रेलियन अंपायर की दिशा में, और अब शुभम स्ट्राइक पर, कहाँ कमी होगी कमेटी की, बहुत अच्छे अच्छे मैच देख रहे हैं, घूम रहे हैं दर्शकों को, फिक्सर बहुत अच्छा रहा है, मैंने छोड़ दिया है, ये देख लीजिए आप, 3 ओवर 24 रन एक विकेट के नुकसान पर उत्तर धौना, बढ़िया बॉल और अच्छी फील्ड, बॉल, ये देखिए बीच में, बढ़िया बॉल पॉइंट की दिशा में, लेकिन कोई रन नहीं, आप ये फेंक कर लिया था, इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन है खिलाड़ी 4 ओवर, अंपायर का इशारा 4 रन, शायद दूर थे, अब शायद ये बल्लेबाज को अच्छा नहीं लगा आपकी बारी, क्योंकि दो बोले थे आपने, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं आप सुजीत,
शानदार, जिसमें अभी तक उतर धोना भारी। और क्यों ना हो, जब ऐसी बल्लेबाजी चलेगी। एक और मनीष अभी बाकी है आना गेंदबाजी करने के लिए, और उनको भी देखना होगा कि आज कैसे गेंदबाजी कर देंगे वो। ये लीजिए एक शॉट और खिलाड़ी है नहीं कोई, और छह रन। ये देखिए आप मलिंगा के बल्ले से निकलता हुआ पहला जबरदस्त शॉट 6 रन के लिए। और मनीष बिल्कुल मेडिकल स्टोर से आज मेडिसिन मंगवा लें, गजब के बल्लेबाज है मलिंगा। और उनके दयाओं से हौसला अफजाई हो तो काफी महंगा आज आपका। ये लीजिए मिस हो गई। और आज छोटी दिवाली के छोटे 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 36 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 4 ओवर 36 रन एक विकेट के नुकसान के बाद उत्तर धोना। अभी उनको मौका नहीं मिला है शायद। नितिन जी बढ़िया बॉल, बिल्कुल एक्शन समझ नहीं पाए बल्लेबाज। और ये अपना फिर उनका बुमराह वाला ही एक्शन है। ओए बॉल है यार। और हाँ देखिए आप, और अब खुली कट किया पॉइंट की दिशा में आसानी के साथ और खराब फील्ड, लेकिन मैंने एक ही प्राप्त होगा बल्लेबाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और झंडे के नीचे बढ़िया शॉट बाहर। 4 रन बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं यहाँ पे सुजीत, भावनाओं को लगातार छक्के चौके लगा रहे हैं। कोई भी गेंदबाज एक और, लेकिन वहां पर पीछे आते हुए का लगभग 4-5 दिनों का अवकाश और टूर्नामेंट में भी अब अवकाश ही रहेगा। 5 ओवर 42 रन एक विकेट के नुकसान पर उत्तर धोना। अच्छा शॉट सीधे बल्ले से और सिंगल मौजूदा था। अभी एक मात्र विकेट गिरा है लेकिन बल्लेबाजों को देखा नहीं जाता अभी तो किसी ने। ये देखिए आप ये बहुत अच्छी शॉट है निश्चित रूप से इस बार में, लेकिन फिर गेंद घूमी अपने आप ही गेंद घूम रही वहां पर। बल्ले से पॉइंट की दिशा में खराब फिर कहूंगा, मनीष से खराब कीपिंग कहूंगा मैं। फील्डिंग तो अच्छी थी, थोड़ा भी अच्छा था और पीछे से बैकअप कर रहा था। नाराज होते हुए मलिंगा फील्ड तो अच्छी की थी खिलाड़ी ने, लेकिन मनीष महेंद्र शुभम के लिए बॉल बढ़िया बॉल शॉट विकेट होना चाहिए और आउट होते हुए मलिंगा जाना होगा। मलिंगा को जिस खिलाड़ी ने कैच पकड़ा है बड़ा विकेट उसका नाम बता दें वापस पवेलियन जाते हुए मलिंगा। काफी बड़ा विकेट उत्तर धोना का। 6 ओवर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर उत्तर धोना। बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज टाडा जी। बिल्कुल देश के दुश्मन है। जबरदस्त शॉट यहाँ पे 6 रन के लिए। काफी आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं सुजीत और बल्लेबाज वही सुजीत। जबरदस्त शॉट मीटर का छक्का नितिन सुजीत के लिए। एक और अच्छा शॉट गैप में तो है और प्लेयर पहुंच जाएंगे 1 रन। बल्लेबाज टाडा पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने, इन्हीं के रन से मैच जीती थी उत्तर धोना। और आते ही चौका मार दिया शानदार शॉट अग्निपथ। बहुत अच्छी गेम लेकिन पूरा वहां पर अच्छी तरह से खेलते हुए बल्लेबाज सरिया की गिरी। बिल्कुल सरिया की गिरी पहले और ये बहुत बड़ा छक्का। और ये देखिए नो बॉल पे 6 मार दिया पे सुजीत ने फ्री हिट। क्या अनुभव है भैया, बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे सुजीत उत्तर धोना के लिए। और सुजीत की बात की जाए सुजीत के बल्ले नींबू लगा फ्री हिट है यहाँ पे मौका है एक और। 4 छक्के अभी तक लगा चुके हैं सुजीत फ्री हिट चार लगा चुके हैं बाउंड्री लाइन के
बाहर। बहुत ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं सुजीत। एक और छक्का, छक्का निकला है। सात ओवर 72 रन 2 विकेट के नुकसान पर उत्तर धोना। सुजीत उर्फ अक्की नॉन स्ट्राइक पे जो 52 रन बनाकर खेल रहे हैं, उनका 50 पूरा हो चुका है। अपने पोते का पीछे स्ट्राइक पे है टाडा, गेंदबाजी करने आए हैं कप्तान आजाद। बड़ा विकेट यहाँ पे टाडा के रूप में, बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे आजाद ने विकेट निकाल दिया। टाडा को जाना होगा वापस। और एक छोर पर सुजीत जमे हुए बल्लेबाज सोनू, उत्तर धोना के लिए नए बल्लेबाज। ये देखे बड़ा विकेट होगा अगर कैच पकड़ेंगे तो। हैंड ड्रॉप, छूट गया। नाखुश होंगे कप्तान आजाद। ये कैच कितना महंगा पड़ेगा। ये बल्लेबाज और बॉल लेकर आइए। बल्लेबाज तो बिल्कुल आग से। सुजीत उर्फ अक्की का कहना है आइए गेंद कराइए और फील्डर को भेजिए गेंद मंगवाइए। 6 रन और क्या लाजवाब बल्लेबाजी। आज आपकी गेंद क्लासिकल बल्लेबाज और 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी सुजीत उर्फ मक्की की चल गई यहाँ पे चक्की रन की। स्कोर बढ़िया, अच्छी फील्ड, बहुत अच्छी फील्ड। 16 रन स्कोर में आ चुके हैं। बढ़िया, मना कर दिया रन लेने से सुजीत ने। इसी बीच 8 ओवर 88 रन 3 विकेट के नुकसान पर उत्तर धोना। ये लीजिए शॉट, ये शॉट है 6 और 6 रन। अगर बॉल है तो उठा के फेंक दे दर्शक। कैसे छक्का जड़ा, और बढ़िया बॉल, लेकिन हम पहले कुछ आपस में गया मुसला की और इसी बीच एक बढ़िया बॉल पहले की तरह चली गई। अच्छा शॉट लकी दिशा में खिलाड़ी अभिषेक और थोड़ी खराब बहन सुजीत को। बढ़िया बॉल और अच्छी तरीके से खेला है खिलाड़ी है और बढ़िया खेल। एक और अच्छा शॉट, खराब फील्ड खिलाड़ी है और अच्छी फील्ड करेंगे नितिन। 9 ओवर 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर उत्तर धोना। और बॉल कर दिया, चलिए भैया आप जाइए। रिवर्स शॉट, हम तो नहीं खेलने देंगे आपको। बल्लेबाज शैलेंद्र फॉकनर ऑलराउंडर बल्लेबाजी करने आते हुए, आए तो थे ऑलराउंडर बनकर मगर यहाँ पे गेंदबाजी बहुत खतरनाक करने लगे, इसलिए इनको बल्लेबाजी में वो जौहर दिखाना होगा कि लोग जाने कि ये सिर्फ गेंदबाज ही नहीं बल्लेबाज भी हैं। और यहाँ पे फॉकनर और ऑलराउंडर का पतन हुआ विकेट पहली बॉल पे। ये देखना होगा कि कितने शायद और हैट्रिक चांस पर हराया फॉकनर यहाँ पे आउट होते हुए। बढ़िया गेंदबाजी की है राजा ने। और अंपायर के फैसले का इंतजार रहेगा। राजा जी गेंद का सामना करेंगे सुजीत। सुजीत संभू की पहली बॉल, बढ़िया बॉल देखने आते हैं रोज। अच्छा शॉट, विकेट होना चाहिए, ये विकेट होगा, जाना होगा सुजीत को यहाँ पे। बड़ा विकेट शंभू ने निकाल के दिया। शंभू की गेंद का सामना कर लें। अगर देखा जाए हल्के उसमें मनीष का नाम नहीं, ये भी स्लो ओवर गेंद लेकिन भैया जब किसी के पास में हो पानी वाला तो कृपया दे दें। ग्यारह ओवर 108 रन उत्तर धोना। इनिंग का लास्ट ओवर।
बॉल का आखिरी ओवर बहुत शक्ति के बल्ले से खिलाड़ी मौजूद और दोनों के बीच से निकल गई चार रन पकड़ तो जाना ही होगा। ये लीजिए एक शॉट और इस बार थोड़ा कवर्स की दिशा में और रनिंग तो बहुत तेज है और खिलाफ है सुफियान पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। एक रन बनाया घर तक बिना शॉट और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सुफियान को हमारे बीच से निकलते हुए बढ़िया शॉट और ये लीजिए बहुत छक्का सहली बहुत ही गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं लास्ट ओवर में स्कोर को बढ़ाते हुए बहुत ही आक्रामक अंदाज से लास्ट ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं सैलेश और सैली लास्ट बॉल है उत्तर धौना के लिए इसमें दो चौके एक छक्का और दो सिंगल और जाते जाते खिलाड़ी है और इस बार सुफियान भागेंगे जरूर और क्यों ना भागेंगे जब आखिरी बॉल है और गेम पूरे के लिए 126 रन बनाए यहाँ पे उत्तर धौना ने गौरी बाजार को 127 रन बनाने होंगे जीतने के लिए 12 ओवर में छह रन लगातार दूसरी गेंद को छक्का दो बॉल दो छक्के कप्तान आजाद गौरी बाजार के बहुत ही खतरनाक अंदाज अपनाते हुए बल्लेबाजी में तीन बॉल 16 रन बहुत बल्लेबाजी आजाद ने असंभव थोड़े से क्रॉस कर दिया है सिंगल लोग वापस संभव एक ओवर 22 रन कोई नुकसान नहीं गौरी बाजार अंपायर का इशारा वाइट बॉल सिर्फ छक्के चौवे से ही खेल रहे हैं यहाँ पे गौरी बाजार के प्लेयर ओपनर बल्लेबाज शंभू और आजाद अच्छी गेम आकाश की गेंद शंभू को धीरे से कर दिया है इसको अलग अंपायर बहुत हाई गई है बॉल देखना है फील्डर है बॉल के नीचे सोनू बहुत ही अच्छा कैच बड़ा विकेट जाना होगा कप्तान आजाद को अच्छा कैच बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे प्रेम बढ़िया के बाहर पहली बॉल में चौवा दो ओवर 34 रन एक विकेट के नुकसान पर गौरी बाजार तीसरा ओवर लेकर आए हैं मलिंगा बहुत अच्छी शॉट के साथ और ये 4 रन और ये गेम को उठा लिया है फील्डर गेम के नीचे 6 रन मिड ऑफ पे छक्का शंभू का काफी गजब के बल्लेबाज शंभू स्कोर होता हुआ 44 पॉइंट की तरफ खेलकर एक रन पूरा किया 5 खिलाड़ी नजदीक की
एक खिलाड़ी स्लीपर एक पॉइंट वाइट बॉल का इशारा की गेंद का सामना करेंगे प्रेम प्रेम बहुत ही जबरदस्त छक्के छक्के लगा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे बल्लेबाज गौरी बिहार के बल्लेबाज ये अच्छी गेंद और फ्लॉप होता हुआ 3 ओवर 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर गौरी बाजार और रन खाने के मना कर दिया प्रेम ने अब बोल रहे थे प्रेम और बढ़ा बॉल और वार्ड बॉल ये लीजिए ट्रेबल लगाकर बैठे हैं अब ये करने वाले हैं बढ़िया हल्का तो बिठेला कौरन नहीं कट्टा को बीच में बिल्कुल बैठा कर रखा है और इसी बीच गंदाजी बड़ा विकेट यहाँ पे फॉकनर निकाल के दिया शंभू का बहुत ही अच्छा खेल रहे थे शंभू एक बार मैच वापसी करते हुए उत्तर धौना की टीम सामना करेंगे हेलो क्या शॉट चल रहा है हेलो सुबह अरे बेटा रुक जाओ बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मलिंगा लगातार मैच वापसी कराते हुए उत्तर धौना की 5 ओवर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर गौरी बाजार बहुत बड़ा है अच्छा है फ्री हिट यहाँ पे ये देखो अच्छा शॉट खिलाड़ी है एक रन का 6 रन दो बॉल पे 2 छक्के लगा दिए यहाँ पे प्रेम ने गौरी बाजार को वापसी कराते हुए मैच में मुकाबला एक तरफा तक करते हुए प्रेम बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे फॉकनर का बहुत ही बड़ा विकेट यहाँ पे जाना होगा प्रेम को बड़ा नुकसान यहाँ पे गौरी बाजार को नए बल्लेबाज आते हुए गौरी बाजार के नो बॉल पे चौवा फ्री हिट एक और दमदार छक्का ऐसा लग रहा है पिछले मैच की हालात चल रही है 6 ओवर 88 रन गौरी बाजार 36 बॉल पे 39 रन चाहिए जीतने के लिए गौरी बाजार को यहाँ से और सामना और आसानी के साथ दौर पूरे कर लिए जीतने के लिए और क्या रनिंग देखे ये अगर गिराई जाए तो शायद लोग कुछ बने बिल्कुल
सभी टीम ने आज और सब खोल दिया है बैट ने सभी पूरा दो रन अच्छी खेलदानी के साथ सात ओवर की समाप्ति पर 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर गौरी बाजार 30 बॉल पे 32 रन की जरूरत है। अभिषेक लेफ्टी स्ट्राइक में है गौरी बाजार से वन बाउंस 4 रन पहली बॉल पे चौके से स्वागत किया सोनू का अभिषेक लेफ्टी ने काफी सूझबूझ के साथ खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल और बीच बीच में बाउंड्री भी लगा रहे हैं 29 बॉल पे 28 रन की जरूरत जीतने के लिए गौरी बाजार को थ्रो बाई का रन मिसफील्ड का रन जिस बॉल को डॉट होना चाहिए था उस पर 2 रन आ गए 26 रन की जरूरत यहां से जीतने के लिए गौरी बाजार को8 ओवर 103 रन 3 विकेट के नुकसान पर गौरी बाजार 24 बॉल पे 24 रन चाहिए मलिंगा बॉल करेंगे फील्डर सोनू है वहां पे एक रन मिलेगा बाईस बॉल पे 22 रन चाहिए जीतने के लिए गौरी बाजार को बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे फॉकनर का विकेट यहाँ पे मलिंगा ने यहाँ पे उत्तर धोना के लिए विकेट निकाला जाना होगा यहाँ पे बल्लेबाज को मलिंगा वापस मैच में लाते हुए उत्तर धोना को अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज मलिंगा गेम में वापस लाते हुए उत्तर धोना की टीम को पूरी तरीके से मैच वापस ले आए मलिंगा यहाँ पे जाना होगा बल्लेबाज को बहुत ही जानदार गेंदबाजी यहाँ पे मलिंगा की शाबाशी देते हुए टीम के प्लेयर मलिंगा को पीठ थपथपा के गेंदबाजी करने आए हैं उत्तर धोना की तरफ से सोनू 18 बॉल पे 22 रन चाहिए जीतने के लिए गौरी बाजार को वाइड बॉल बहुत ही रोमांचक स्थिति में मुकाबला 18 बॉल 21 रन जीतने के लिए गौरी बाजार को 17 बॉल 20 रन 17 बॉल पे 20 रन चाहिए जीतने के लिए गौरी बाजार को गैप में 2 रन मिल जाएंगे आसानी से 16 बॉल पे 18 रन चाहिए जीतने के लिए गौरी बाजार को बॉल करेंगे सोनू 9 बॉल 16 बॉल पे 17 रन की जरूरत जीतने के लिए गौरी बाजार को और फ्री हिट अच्छी फील्ड सोनू की 15 बॉल पे 17 रन चाहिए जीतने के लिए गौरी बाजार को 14 बॉल 17 रन जीतने के लिए गौरी बाजार को और यहाँ पे अपील अंपायर आपस में डिस्कस करेंगे और चमन कुछ चर्चा करते हुए अंपायर डिस्कस करते हुए आपस में और कीपर की बात करो उस्ताद रहा था तो ना हो और अंपायर का फैसला बिल्कुल 3 सेकंड अंदर 5 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड
आपने चला बिल्कुल क्लोज। अब सर टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लीजिए आप क्या होगा। एलिटी लतीफ गाजी यूट्यूबर के पास भी जा रहे हैं तो कुछ और होगा, और कुछ होगा तो लतीफ गाजी यूट्यूबर बताएंगे। आउट दे दिया यहाँ पे नए बल्लेबाज राजा, 14 बॉल पे 17 रन चाहिए गौरी बाजार को अभी भी जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ मलिंगा और सोनू की, गेम में वापसी दिलाई उत्तर धौना को। बहुत ही जानदार शानदार कैच, डाइव मार के पकड़ लिया यहाँ पे पहली बॉल पे राजा को, चलता किया यहाँ पे, बहुत ही शानदार कैच यहाँ पे इनका, दीपू का गजब का कैच। नए बल्लेबाज मनीष, 13 बॉल पे 17 रन चाहिए अभी भी गौरी बाजार को। दस ओवर 107 रन, 12 बॉल पे 17 रन की जरूरत, अभिषेक लेफ्टी के ऊपर टीम की जिम्मेदारी। 12 बॉल पे 17 रन की जरूरत, 11वां ओवर लेकर आए टीम के लिए अक्की, स्ट्राइक में अभिषेक लेफ्टी, उठा के खेल दिया है फील्डर रोहित हैं और अच्छे फील्डर हैं, गलती नहीं करेंगे। 11 बॉल 16 रन की जरूरत, स्ट्राइक पे मनीष, वाइड बॉल, 11 बॉल 10 बॉल पे 14 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए, 10 बॉल पे 14 रन। नौ बॉल पे 11 रन जीतने के लिए चाहिए, थ्रो बाई का रन, स्कोर बचा हुआ 115 रन। ये लीजिए शॉट, और यहाँ पर खिलाड़ी ने और मनीष की रनिंग देखिए आप, पकड़ ले आगे। और 8 बॉल पे 10 रन चाहिए जीतने के लिए अभी भी गौरी बाजार को, अच्छी बॉल, 7 बॉल है और बची यहाँ से, 7 बॉल पे 11 रन चाहिए अभी भी जीतने के लिए गौरी बाजार को। खेल दिया उठा के, 2 रन की मांग की है और यहाँ पर रन आउट का चांस और मिस फील्ड, यहाँ पे 2 रन पूरा कर लेंगे। 6 बॉल पे 9 रन चाहिए जीतने के लिए गौरी बाजार को, और उत्तर धौना की तरफ से लास्ट ओवर लेकर आए हैं सोनू, बहुत ही रोमांचक स्थिति में मुकाबला, पूरे ग्राउंड में सन्नाटा सा छा गया है, पूरे ग्राउंड में खामोशी। 6 बॉल 9 रन गौरी बाजार को जीतने के लिए, बोल्ड कर दिया यहाँ पे सोनू ने, बड़ा विकेट यहाँ पे, बहुत ही गजब की गेंदबाजी सोनू की। नए बल्लेबाज आते हुए, बल्लेबाजी करने आए हैं अजीत, 5 बॉल पे 9 रन चाहिए, एक तरफा मुकाबला जीत रही थी गौरी बाजार, मगर एक तरफा वापसी की यहाँ पे उत्तर धौना के गेंदबाजों ने, बहुत ही शानदार कप्तानी यहाँ पे मलिंगा की। रन अप लेते हुए सोनू, 5 बॉल पे 9 रन की जरूरत, 7 छक्का यहाँ पे अजीत का, फुल टॉस बॉल और उसको पहुंचाया अजीत ने बाउंड्री के बाहर, 6 रनों में तब्दील किया, 4 बॉल पे 3 रनों की जरूरत यहां पे गौरी बाजार को। धड़कने बढ़ती हुई दर्शकों की, 4 बॉल 3 रन, तीन बॉल पे 2 रन चाहिए, मैच कभी इधर कभी उधर, लास्ट मोमेंट तक मैच, कभी इस टीम की तरफ कभी उस टीम की तरफ, देखना है बाजी कौन सी टीम मारती है। 3 बॉल 2 रन, मनीष स्ट्राइक पे, बॉल करेंगे सोनू, धड़कने बढ़ती हुई दर्शकों की, ग्राउंड में खामोशी छाई हुई, बहुत ही रोमांचक स्थिति में मुकाबला। रन अप लेते हुए सोनू, और यहाँ पे मना किया, विकेट यहाँ पे अंपायर का इशारा, बहुत ही यहाँ पे कांटे का मुकाबला, रोमांचक स्थिति में मैच,
दो बॉले, दो रनों की जरूरत गौरी बाजार को, और लास्ट विकेट गौरी बाजार का। यहाँ पे सुपर ओवर होगा या ऑल आउट होगी टीम, या मैच जीतेगी गौरी बाजार या जीतेगी टीम उत्तर धौना। देखना है ये लास्ट की दो गेंदे। ग्राउंड पे सन्नाटा पसरा हुआ, दर्शकों में खामोशी का माहौल। दो बॉल पे दो रन, लास्ट विकेट। यहाँ पे अगर बल्लेबाज आगे निकलते रनर तो सोनू स्टंप पे बॉल लगाकर विकेट ले लेते और टीम ऑल आउट हो जाती। काफी चालाक गेंदबाज सोनू। देखना है यहाँ पे दो बॉल पे क्या दो रन बनते हैं या एक रन बन के मैच टाई होता है। अच्छी शॉट और चार रन के लिए टीम जीत गई यहाँ पे मैच। मैच जीत गई यहाँ पे गौरी बाजार। लास्ट टाइम तक मैच समझ में नहीं आया किसकी तरफ, मगर यहाँ पे मुकाबला जीत लिया है गौरी बाजार ने। मैच की तरफ से आजाद काफी अच्छा खेले।